अब बांग्लादेश को $1 अरब का कर्ज देगा चीन, भारत की बढ़ सकती है टेंशन। बांग्लादेश हमेशा से भारत का भरोसेमंद दोस्त रहा है, लेकिन अब वहां चीन की भी आहट सुनाई देने लगी है। नेपाल के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को अपनी आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन बांग्लादेश को नदी परियोजनाओं के लिए $1 अरब का कर्ज देने जा रहा है। भारत के लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भारत बांग्लादेश के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर समझौता नहीं हो सका है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्रालय के अधीन जल विकास बोर्ड के एडिशनल चीफ इंजीनियर ज्योति प्रसाद घोष ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा, तीस्ता नदी के प्रबंधन के लिए एक बहुत बड़ी परियोजना को शुरू किया जा रहा है, जिसकी फंडिंग को लेकर चीन ने अपनी सहमति दे दी है। उम्मीद है कि हम दिसंबर महीने में इस परियोजना की शुरुआत कर सकते हैं। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक कई महीने में बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के लिए $853 मिलियन की मदद मांगी थी। यह पहली बार है जब चीन बांग्लादेश की नदी प्रबंधन से जुड़ी किसी भी परियोजना में शामिल होगा और फंडिंग के लिए कर्ज भी देगा। बांग्लादेश के एक अन्य अखबार के मुताबिक इकोनॉमिक रिलेशन डिवीजन को लिखे गए एक पत्र का हवाला दिया है, जिसमें मंत्रालय ने चीन से तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के लिए 883.27 मिलियन का कर्ज मांगा था। प्रोजेक्ट की समरी में कहा गया था कि सुरक्षात्मक कदम न उठाने की वजह से हर साल बाढ़ से संपत्तियों घरों को नुकसान पहुँच रहा है। बाढ़ आने से मृदा अपरदन की गंभीर समस्या भी सामने आ रही है। जल संसाधन मंत्रालय के वरिष्ठ कबीर बिन अनवर ने एक रिपोर्ट के बातचीत में कहा, भारत की तरफ से बनाए गए बांध वजह से सर्दियों में पानी का बहाव धीमा पड़ जाता है, जिससे बांग्लादेश में करीब 2 महीने तक जल संकट जैसी स्थिति हो जाती है। अगर हम इस परियोजना को लागू कर पाते हैं तो सर्दियों में बांग्लादेश के बड़े हिस्से में जल आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। तीस्ता नदी भारत के 100 लामों से निकलती है और सिक्किम पश्चिम बंगाल से गुजरती है। बांग्लादेश के चिलमड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने से पहले यहाँ के रंगपुर डिवीजन में प्रवेश करती है। तीस्ता उन 54 नदियों में से एक है जो भारत से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पिछले कुछ महीनों से ढाका और बीजिंग की नज़दीकियाँ बढ़ी है। चीन ने जून महीने में ही बांग्लादेश के 97% निर्यात को टैरिफ मुक्त करने का ऐलान किया था। बांग्लादेश और चीन के बीच केवल व्यापारिक संबंध ही नहीं है, बल्कि दोनों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आपसी सहयोग बढ़ाया है। जून महीने में चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के शीर्ष स्तर के डॉक्टरों का एक प्रतिनिधि दल कोरोना महामारी से निपटने में बांग्लादेशी सरकार की मदद करने पहुँचा था। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री ने चीन से अपील की कि जब वह कोरोना वैक्सीन बना ले तो उसे भी प्राथमिकता दे। बांग्लादेश चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड में भी शामिल हो चुका है, जबकि भारत इसका विरोध करता रहा है। यहाँ तक कि भारत और चीन के बीच जब लद्दाख में हिंसक झड़प हुई तो बांग्लादेश की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। एक तरफ चीन बांग्लादेश नज़दीक आ रहे हैं तो दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे चीन फैक्टर हो सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।